सो गाइज आपको एक चीज दिखाते हैं, ये देखो अपने बताने में जुटा पड़ा इस समय ये। तो भाई देखो ये छोटे बच्चों के लिए बढ़िया व्लॉग बनाते हैं भाई सब, जीव जंतु के बारे में बताते हैं। दारू पे क्या हो गया? कैसे क्वार्टर पी लेते हो भाई? अरे वाह भाई वाह, क्वार्टर पिलाओ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो गाइस थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम चल रहे हैं यहाँ के बारा देवी कानपुर के, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मंदिर है यहाँ का। नवरात्र में वहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है कि कहने की बात ही क्या। ठीक है गाइस, देखिएगा और जरूर जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। और सारे झूलों के अपने प्राइस बता दिए इसमें, ठीक है। तो आप देखिए जरूर और लाइक सपोर्ट कमेंट करिएगा। आपको मज़ा ना आए तो छोटा ही देख के आगे भाई हट जाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखना जरूर, ठीक है भाई, देखिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो चांद के नीचे सितारा भाई बना, देख सकते हो। पहली बार हम देख रहे थे, आपने अगर किसी ने देखी हो तो कमेंट करके बताना इसको कहते क्या है। बहुत ही भाई अच्छा लग रहा है, देखो इसमें क्लियर दिख रहा है ना। अभी अभी हम घर से निकले तो देखा ही हमने। तो भाई देखो राघवेंद्र ये अपना इसको साथ में लाए, और ये इस समय हमारी गर्लफ्रेंड के साथ अपने बतियाने में जुटा पड़ा इस समय। ये कौन है, नाम बता दो। अच्छा आवाज सुनिए गाइस। अरे अरे भाई चलते हैं जल्दी से, ठीक है आओ राघवेंद्र चला जाए। तो भाई ये है यहाँ की मार्केट। 30 रुपए में रेट। अच्छा 30 रुपया में भाई रेट। ये देखिए गाइस, देखो गाइस ये क्या है? व्हाट इज दिस चाचा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? अरे ये है क्या? बहुत तेज हो रहा है। खरगोश। बढ़िया व्यवस्था हो रखी है और यहाँ पे हमको बहुत सारा माहौल है ये ब्लॉग बनाने में, इतनी पब्लिक में भी आदत नहीं हुई ना गाइस। मौका बढ़िया है भाई, एक आध लगता है यहाँ पे सब्सक्राइबर अपने मिल सकते हैं भाई। भाई 350 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये अभी तक जुटे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में। गजब बेइज्जती है। अरे फोन रखो बेब, फोन कर रहा है भाई। ये कैसी कटिंग है भाई? ये कटिंग हमने कहाँ से कटाई? आप मनुष्य लग रहे हो, मत करो। मौज हो गई यहाँ पे, तो कटिंग दे रखी थी आपने, कैसी उसकी कटिंग? कहीं आके दो को मारे ना राघवेंद्र, कोई है भी नहीं यहाँ जानने वाला। कोई नहीं यहाँ पे कानपुर है, यहाँ प्रशासन बहुत टाइट है। मंदिर है ये देखिए गाइस, यहाँ प्रसाद प्रसाद ले चुके हैं। ये माता रानी मंदिर है, माता रानी मंदिर भाई कानपुर का जो मंदिर है जो बारा देवी, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत इनमें मानता है, ठीक है। तो दर्शन कराते हैं इनके, आपको भी चलिए आज। यहाँ पे सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, देख रहे हो सब लोग। भाई बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, जैसे थोड़ा बहुत आपको दिखा सके। बढ़िया दर्शन हमको नहीं लगता कोई और बना देता बारा देवी के आपको। तो गाइस इसी बात में लाइक सपोर्ट जरूर करिएगा, आपको पहले ही कहा था हमने। हमने कहा था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो हुआ इंटरेस्टिंग भाई। हमें तो बहुत डर लगता है, तुम्हें झूलना हो तो बताओ। नहीं भाई झूलना है, नहीं झूले। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मां के दर्शन करें और अपने। तो आपको भी हम सारे झूलों के प्राइस बताते हैं, कौन से कितने में है। झूला कितने रुपये में? 20 रुपये में झूला। चलो 20 रुपये, ठीक है। अब आपको पता करते हैं वो दूसरा झूला। झूला 80 रुपीज़ का झूला भाई, 80 रुपीज़ का झूला। ₹70 का झूला, 70 रुपये। वो लिखा है ऊपर भाई, ये वाला चांदी का झूला। इनाम क्या मिलेगा? इनाम में अंदर चलेंगे साथ में, चमकने सही है। चीटिंग करता है तो कहना है कि खर्चा मेरा, मेरी बीवी के झेल लेंगे। आज देखो 70 रुपये की देखो, ट्रेन 60 रुपये की है। और भाई कम से कम 10 मिनट झुलाते हैं, 10 मिनट झूलने को पाओगे बढ़िया। और भाई समोसे के वाले समोसे छोड़ियो तो खाओगे क्या? भाई जान चलो भाई, यहां समोसे छोड़ियो तो खाओगे मेरे नंबर। हां ले बेटा सही बात। तो भाई देखो ये छोटे बच्चों के लिए बढ़िया दुकान है, बढ़िया धूल के लाए हैं। तो भैया क्या क्या रखे हो? क्यों भैया? अच्छा छुप गए तुम्हारे भाई, शर्माने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो ये देखो सिलाई में है ना, सिलाई में लेना ले लो भाई। कितने रुपए की है बता सकते हो? वीडियो में नहीं लेंगे तुमको। 10 रुपए लिए ये 10 की है। अच्छा है एक ही चीज लेकिन। और हाँ यार शर्माते हो क्या? अच्छा कुछ लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। ये कितने की है? 80 रुपए की। बढ़िया। और दिखाओ, और दिखा दो। तो भाई ये और दिखाओ भैया, और क्या क्या है बता दो। ये क्या है? पेन कितने का? ये 80 रुपए का पेन। खुले कहाँ से? ठीक है। ये कितने का भैया? ये 20 रुपए का। ये आगे वाले सब 20 के हैं। भाई देख लो तलवार है ना, किसी को त्रिशूल। भाई यहीं पे चिल्लाना, ब्लॉग बन रहा है यार। ये देखो भाई, अरे भाई पेन बढ़िया। ये इसको क्या कहते हैं भाई? वो तो बताओ। स्पिनर बच्चों का खेल का, मुझको पता नहीं था। इसको क्या कहते हैं? ये नहीं पता क्या? ये पपेट। और ये पेन कितने कितने की यार? आगे वाले मैजिक बुक है। कितने की है? 200 रुपए की। और वो पीछे स्टिकर्स 20 रुपए। भाई बढ़िया है, 20 रुपए में ले लो। और क्या चाहिए? 10 रुपए की रेजर है भाई, जिसको पसंद आए ले सकता है। ठीक है मम्मी आपस कहो, बारा देवी घुमाने लाए तुम्हें। भाई देखो ये लड़का है, इसको लेने में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। भाई बताओ क्या बारे में इसका? अच्छा शर्मा करो, ऐसे ब्लॉगर हो। बताओ तुम बताओ। सबसे बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं भाई, सब जीव जंतु के बारे में बताते हैं। किसके? जीव जंतु के बारे में। अच्छा प्रैक्टिक पे ज्यादा ध्यान देने चाहिए, जैसे पेड़ पौधे। अच्छा सब लोग अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग चूता रखने के लिए बना ले रहे हैं, लेकिन कोई पेड़ पौधे बारे नहीं सोच। तो भाई टैटू बढ़िया भाई, दर्द तो नहीं हो रहा? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ यार। अच्छा भाई कितने को ना रहे? देखो भाई टैटू बंदा 5 रुपए में टैटू। भाई पहली बार देखो भाई, शकल देख लो, यहाँ के बनवा लो। मेरा मजाक यही नहीं, अभी और सुनिए। 5 रुपए में टैटू, शकल देख लो। भाई नाम बता दो, तुम्हारे पास सब लोग आएंगे। भवानी प्रताप सिंह। अरे भवानी प्रताप सिंह, ठीक। भवानी प्रताप सिंह का नाम याद रखना भाई। वो देख लो भाई। दर्द बताओ कैसा हो रहा है? मीठा कड़वा। आराम से दर्द हो रहा है। ओ माय गॉड। चलो कोई नहीं। देखो भाई जुमा केसरी के यहाँ बैठे हैं भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समझ रहे हो ना? क्या भाई क्या कह रहे? 2 क्वार्टर पी के भाई को बहुत मजा आ रहा है। देखो ये लग रहा है टैटू। भाई बहुत एक्सपर्ट है जो बना रहा है। नहीं कहाँ से? कहाँ पे? खाने से। अच्छा चलो दारू पी के आएंगे। दारू पी के आओगे? 2 क्वार्टर। कैसे? पैदल। बढ़िया। नाचते हुए एक बार नाच के दिखाओ। फिर जवारे में आएंगे नाचते। जवारे में? अच्छा दारू पी के उस दिन? फिर तो गलत बात है भाई। नहीं जवारे नहीं लगाएंगे। हाँ अच्छा खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। ऐसे एक बार नाच के दिखा दो। कोई डायलॉग बोलो, कोई डायलॉग बोलो। नहीं बोल पाते हो? अच्छा क्वार्टर पी लेते हो बस? अरे वाह भाई वाह। कोई तरीका है भीख मांगने का? हम कहाँ से पिलाएं तुमको क्वार्टर? तो भाई बहुत ही बढ़िया मजा किया आपने, देखा एंजॉय किया होगा इनकी बातें सुन के कि कैसे कैसे लोग आए हैं यहाँ पे। मतलब मेला में तो भाई ऐसे लोग दिखेंगे आप लोगों को। तो भाई देखो हर माल 5 रुपए। ये दिखाओ पैसे पड़े होंगे। हर माल 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। 40 रुपए किलो कहाँ बिक रहा है? बता देना दे दो 15। अरे पकड़ो तो पहले। तो गाइस देखो आंटी ने 15 रुपए हमको दे दिया है। आप 15 खरीद सकते हो। आंटी खोल के दिखाओ। तो भाई देखो ये गुल्ला बढ़िया लग रही है, चीनी मिट्टी की है, 50 रुपए की। अंकल चिप्स है ना भाई ये? अंकल चिप्स है ना? चिप्स अंकल। अच्छा बात तो सही है, चिप्स और अंकल। अरे वाह भाई कॉम्बिनेशन बढ़िया है भाई। लकड़ी का सामान भी देखो बढ़िया बढ़िया है। ये देखो भाई साहब, ये देखिए चाचा। ओ भैया ये साइकिल कितने की? साइकिल 750। यूनिक आइटम है भाई। और ये ट्रक 540 भाई। बार्गेनिंग करा लेना, बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे। आइए बार्गेनिंग करा के ले जाइए। आ गए फिर से, आ गए। हाँ। तो भाई ये देखिए, ये हैं गुच्छे में नाम लिखने वाले भैया। भैया गुच्छे में नाम कितने रुपए में लिखते हो? 40 रुपए के लिखते हैं क्या? ऐसा नाम लिख के देते हैं, देख लो भाई। किसी को कपाल अपाल भाई मेरा नाम लिखा रौनक। अरे वाह भाई वाह। वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप सोचिएगा ना। ये लिखा रौनक नाम, ठीक है भाई। कुछ बार्गेनिंग हो पाएगी कि नहीं? कुछ बार्गेनिंग हो पाएगी कि नहीं? मतलब कम हो पाएगा पैसा कि नहीं? अरे वाह भाई, भाई का दिल बहुत बढ़िया है। आइए और इनसे ले जाइए। चलिए बनाइए, राघवेंद्र का बनवाना। राघवेंद्र बनवा लो अपनी दीदी के लिए, ठीक है। घर पहुँच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय किया और जितना हो सका उतना दिखाया हमने। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ब्लॉग। और इंटरेस्टिंग ब्लॉग था कि नहीं भाई? हमने कहा था भाई इंटरेस्टिंग तो था ही। अगर आप छोटे बच्चे देख रहे हैं तो जाइए बारा देवी में झूला झूलिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें खरीदने लायक, तो आप खरीदिए और भाई बहुत ज़्यादा इंजॉय करिए जाके, ठीक है गाइस। और ऐसे ही ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिएगा। लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि आपको मेरा नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द पहुँच सके, ठीक है गाइस। बाय बाय, फुल पावर के साथ में गुड बाय गाइस। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।